श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मैं पायल सैनी आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्यौहार उपाय में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाल ही में होने वाले कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष वितरण महोत्सव के बारे में। रुद्राक्ष महोत्सव की तारीख क्या है, रुद्राक्ष महोत्सव में कुबेरेश्वर धाम में क्या क्या व्यवस्थाएँ श्रद्धालुओं को मिलेगी, कुबेरेश्वर धाम में धर्मशालाओं के नाम जहां आप फ्री में रुक सकते हैं और खा पी सकते हैं, कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महत्व महोत्सव के गेटों की जानकारी जैसे कि रुद्राक्ष लेने के लिए कौन से गेट से जाना है, कथा सुनने के लिए कौन से गेट से जाना है, मंदिर दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको कौन से गेट नंबर से जाना है, और भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए आपको कौन से गेट नंबर से जाना है। रुद्राक्ष महोत्सव में पार्किंग की व्यवस्था के बारे में, सीहोर रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से कुबेरेश्वर धाम पहुंचने के लिए आपको क्या व्यवस्थाएं मिलेगी, इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। यदि आप भी रुद्राक्ष महोत्सव में जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण समारोह इस वर्ष यानी कि 2023 में 16 फरवरी से 22 फरवरी तक होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीहोर में रुद्राक्ष लेने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं। सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि पिछली बार जब रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था तो सीहोर में व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी और रुद्राक्ष वितरण समारोह रद्द कर दिया गया था। ऐसे में हो सकता है कि आपको एक दिन रुकना पड़ जाए, दो दिन रुकना पड़ जाए, तीन दिन रुकना पड़े या इससे ज्यादा, तब कहीं जाकर आपको रुद्राक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि वहां हम जानते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु आने वाले हैं। तो ऐसे में सभी भक्तों के मन में यही सवाल आता है कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुकने की, सोने की, खाने की और नहाने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इन सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। यदि आप भी सीहोर के रुद्राक्ष प्राप्त करने कुबेरेश्वर धाम में होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर रुकने की, सोने की, खाने की और नहाने की सभी व्यवस्थाएं आपको फ्री मिलेगी। इसके अलावा आपको सीहोर रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड से कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में ले जाने के लिए बस सर्विस फ्री रहेगी। बसों के नाम नोट कर लीजिए, सम्राट ट्रेवल और राठौर ट्रेवल्स। सम्राट ट्रेवल्स और राठौर ट्रेवल्स की बसें आपको सीहोर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ जहाँ बस स्टॉप है वहाँ से आपको मिलेगी और वो आपको कुबेरेश्वर धाम में बिल्कुल फ्री आपको कुबेरेश्वर धाम पहुँचाएगी। रुद्राक्ष महोत्सव में आने वाले सभी भक्तों के लिए रहने, खाने और सोने की व्यवस्थाएं बिल्कुल फ्री है, क्योंकि गुरुजी ने अभी अपनी हाल ही में हुई कथा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। गुरुजी ने कहा है कि सभी आने वाले भक्तों के लिए खाने की पूरी व्यवस्था कुबेरेश्वर धाम में ही रहेगी। सुबह चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाने की व्यवस्थाएं की जा रही है। व्यवस्थाओं को देखने के लिए राजस्थान से हलवाई बुलाए जाएंगे। इसके अलावा कुबेरेश्वर धाम में एक धर्मशाला है जो बिल्कुल फ्री रहेगी। एक बड़ा सारा हॉल बनाया गया है, वहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु एक साथ सो सकते हैं। उसमें बिस्तर की व्यवस्था है, पलंग की व्यवस्था है, लेकिन थोड़ी सी ठंडा मौसम रहेगा क्योंकि रात को और सुबह थोड़ी सी अभी ठंड गिर रही है। तो आप अपने ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट जरूर अपने साथ लेकर आएं, क्योंकि भीड़ बहुत रहेगी, हो सकता है आपको ना मिल पाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप अपना ब्लैंकेट और अपने बिछाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत आप अपने साथ अवश्य लेकर आएं। यदि आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम में अपना पर्सनल रूम लेना चाहते हैं तो एक रूम के 500 रुपये किराया रहेगा, जिसमें एक डबल बेड लगा है जहाँ पर 4 से 5 लोग सो सकते हैं, लेकिन इन रूम की संख्या केवल 16 है। यदि ये सब फुल हो जाते हैं तो आपको सीहोर में धर्मशालाएं काफ़ी सारी ऐसी है जो आपको रुद्राक्ष महोत्सव में रहने, नहाने और सोने की व्यवस्थाएं बिल्कुल फ्री देगी। तो आप उन सभी फ्री वाली धर्मशालाओं में ठहर सकते हैं। तो सीहोर की वो कौन कौन सी धर्मशालाएं हैं जो रुद्राक्ष महोत्सव के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी, उनके नाम नोट कर लीजिए। सीहोर रेलवे स्टेशन के पास 2 धर्मशालाएं हैं, पहली यशराज मैरिज गार्डन और दूसरी राठौर समाज धर्मशाला। सीहोर मार्केट में एक भावसा धर्मशाला है, महेश्वरी धर्मशाला,
ब्राह्मण समाज धर्मशाला, राठी धर्मशाला, हनुमान मंदिर धर्मशाला। सीहोर बस स्टैंड पर आपको स्वर्ण का धर्मशाला मिलेगी। सुगर फैक्ट्री चौराहे के पास कायस्थ समाज धर्मशाला है। हनुमान फाटक के पास हनुमान फाटक धर्मशाला है। ये सभी धर्मशालाएं रहने, खाने और सोने के लिए कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष महोत्सव में सभी श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। आप वहाँ रुक सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। यदि आप सीहोर में नदी चौराहे पर या फिर हॉस्पिटल चौराहे पर आते हैं तो आपको यहाँ से कुबेरेश्वर धाम तक फ्री ई रिक्शा मिलेंगे जो आपको कुबेरेश्वर धाम तक पहुँचाएंगे। यदि आप अपने कार या बाइक से आते हैं तो आपको जगह जगह पार्किंग मिलेगी और हर पार्किंग पर आपको ई रिक्शा मिलेगा जो आपको फ्री कुबेरेश्वर धाम छोड़ेगा। ये व्यवस्था मिथिलेश सेवा समिति के द्वारा की गई है। अब आगे हम जानते हैं कुबेरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष वितरण समारोह होने वाला है उसमें कुछ गेट बनाए गए हैं जो हर जगह अलग अलग जाएंगे, तो कौन सा गेट कहाँ जाने के लिए बनाया गया है उसकी लिस्ट जान लीजिए। जो रुद्राक्ष सीहोर महोत्सव में गेट नंबर 1 बनाया गया है वो मंदिर जाने के लिए, जो कुबेरेश्वर धाम में मंदिर बनाया गया है उस मंदिर जाने का रास्ता गेट नंबर 1 पर है। गेट नंबर 2 भोजनशाला के लिए बनाया गया है, यहाँ से आप भोजनशाला में जा सकते हैं। गेट नंबर 3 कथा स्थल में जाने के लिए, जहाँ पर पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा रुद्राक्ष सीमापुराण कथा वाची जाएगी, उस कथा स्थल तक जाने के लिए आपको गेट नंबर 3 से जाना होगा। और जहाँ रुद्राक्ष वितरण समारोह हो रहा है, जहाँ आपको रुद्राक्ष प्राप्त होंगे उसके लिए आपको गेट नंबर 4 से जाना होगा। गेट नंबर 4 रुद्राक्ष वितरण के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी सीहोर कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष महोत्सव की संपूर्ण जानकारी। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब तुरंत देने की कोशिश करूंगी। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम कैसे पहुंचे, यदि आप भोपाल से सीहोर पहुंचना चाहते हैं, इंदौर से सीहोर पहुंचना चाहते हैं, सीहोर से कुबेरेश्वर धाम पहुंचना चाहते हैं, तो इसका एक वीडियो मैं अपने चैनल पर बनाकर डाल चुकी हूं। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के सबसे आखिरी में स्क्रीन पर आपको उस वीडियो की लिंक प्राप्त हो जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करें। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी रुद्राक्ष महोत्सव में जाना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी को प्राप्त कर लें, ताकि उन्हें वहाँ कुबेरेश्वर धाम पहुँचने के बाद किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि मैं रुद्राक्ष महोत्सव की हर एक छोटी से छोटी जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर डालती हूँ। तो यदि कोई आपकी जानकारी मिस ना हो जाए इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए सभी उपाय भी प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।